मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी मंत्रियों को अपना आयकर यानी इनकम टैक्स खुद भरना होगा। इसके लिए अब सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। एमपी में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी, इसका भुगतान अब मंत्री ही करेंगे। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 52 साल पुराना नियम बदल दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में अब वीआईपी कल्चर खत्म होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हमने निर्णय किया कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का खर्च करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरंगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। इधर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी, इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। सरकार ने 1972 का यह नियम बदल दिया है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा है, जिस पर सभी ने सहमति दी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, इस दिशा में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी। वहीं प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। जेल सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहां रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।